हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टेट, टीजीटी नॉन मेडिकल टेट और टीजीटी आर्ट्स के टेट 22 तारीख से शुरू होने वाले हैं। इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेबीटी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके जो अभी 22 तारीख को आपका टेट का एग्जामिनेशन है, इसके इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज, बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बच्चों को कहते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदित बच्चे होते हैं ये। अब जो साधारण बच्चे होते हैं उनकी उनका जो आईक्यू होता है वो 90 से 109 110 तक के बीच में रहता है, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन जिनको कहते हैं। ओके, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो, इनका 130 से 139 तक रहता है, वेरी सुपीरियर में आते हैं, वेरी सुपीरियर। सबसे कम जिनका आईक्यू होता है वो कहलाते हैं इडियट, इडियट का आईक्यू होता है 0 से 24 तक। ओके, और सबसे ज़्यादा होता है जिनका होते हैं 140 से ज़्यादा, 140 एंड अबव, उनको कहते हैं जीनियस, जीनियस। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट दियर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू दियर इंटरेक्शन विद दियर एनवायरमेंट स्टेटेड बाय होम, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट जीन प्याजे की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जीन प्याजे। जीन प्याजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? जीन प्याजे को। स्विट्जरलैंड के थे और इनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं। स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, गिलफोर्ड ने दिया है त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत, और प्याजे की मैंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज, जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर हो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, हमने वहाँ भी सॉल्व किया था, मैंने बताया था आपको, ये शायद परसों की वीडियो में हमने किया था ये। तो जिन बच्चों की जो है मेंटल एज इक्वल होती है क्रोनोलॉजिकल एज, वे आते हैं, तो उनका आईक्यू पूछा है वो कहलाते हैं, जिनका ये बराबर होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, वे नॉर्मल चिल्ड्रन के कैटेगरी में आते हैं, साधारण बच्चों की कैटेगरी में। तो साधारण बच्चों का आईक्यू 90 से 110 के बीच में होता है, तो 100 उन्हीं के बीच में आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये कैसा, क्योंकि मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 फार्मूला होता है, तब ये जब सेम है, ये एक्स है, ये भी एक्स मान लिया, तो ये तो कट गया, तो 100 बचा, तो आईक्यू 100 आएगा। ओके, जिन बच्चे का आईक्यू 140 एंड इसके अबव होता है वो गिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं, गिफ्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज इन विच चाइल्ड बिगेन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट इज नोन एज, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, किसी घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वह कौन सी अवस्था है? अब ये अवस्था किसकी है? यह है जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस हैं ये। प्री ऑपरेशनल पहली है, प्री ऑपरेशनल पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट के बारे में सोचना लॉजिकली सोचना शुरू करता है तो वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जब उस स्टेज में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में लॉजिकली थिंकना सोचना शुरू कर देगा तो वो होती है फॉर्मल स्टेज में। जब अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में अब्स्ट्रैक्ट थिंक के बारे में जब सोचना शुरू कर देगा फॉर्मल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, और जब कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये फर्क है इन दोनों में। ओके, कई बार आपसे एज पूछ ली जाती है, यहाँ पे सेंसरी मोटर की एज लिमिट होती है बच्चे की 0 से 2 वर्ष तक, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 वर्ष तक प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, इसको 2 से 7 भी मान लेते हैं, तीसरी है 7 से 11 और फोर्थ है 11 से आगे तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किंडरगार्टन सिस्टम
ऑफ एजुकेशन किसने प्रपोज किया, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक प्रोबेल थे, फ्रोबेल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किंडरगार्टन जब भी पूछा जाए आपसे तो फ्रोबेल होगा डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हूज डेफिनेशन इज दिस, साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था, किसकी परिभाषा है ये। ये स्टेटमेंट है स्किनर की, साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, ये स्किनर ने कहा है। एक और इसके मिलती जुलती स्टेटमेंट है जो है एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, तो ये स्टेटमेंट है ई ए पील की, किसकी, ई ए पील की। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन ई ए पील ने कहा है, और द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन ये स्किनर ने कहा है, तो ये फर्क है इनमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन, एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। तो एजुकेशन साइकोलॉजी सर्वांगीण विकास में सहायक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ है, कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड मोस्ट साइंटिफिक मेथड है एंड ऑब्जेक्टिव मेथड है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रयोगात्मक विधि जो है सबसे अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। क्वेश्चन नंबर 9, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइको सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, एरिक्सन ने दी थी। दूसरा बन गया कि कितने स्टेजेस बताई थी एरिक्सन ने, तो 8 स्टेजेस बताई थी एरिक्सन ने। कितनी स्टेजेस, 8 स्टेजेस बताई थी साइको सोशल डेवलपमेंट की एरिक्सन ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, हमारे जीन बने होते हैं, किससे बने होते हैं हमारे जीन्स। ये क्वेश्चन अभी स्पेशल टेट में भी आया था शायद, हमारे जीन्स जो हैं डीएनए से बने होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा डीएनए, अवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईच एग सेल हैज अ क्रोमोसोम, प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो एक्स गुणसूत्र होते हैं अंडा कोशिका में, एग सेल में एक्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपराध प्राय जुड़ा होता है, अपराध किससे जुड़ा होता है, माता पिता की कम सहायता से, अनुचित अनुशासन से, परिवार कलह से, या उपरोक्त सभी। जो अपराध होता है वो जुड़ा होता है माता पिता की कम सहायता से भी, अनुचित अनुशासन से भी, परिवार की कलह से भी, उपरोक्त सभी, इसमें करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चा पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बंटा है, प्रीनेटल डेवलपमेंट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द मेन पीरियड कॉल्ड, तो उसे जीवाणु, भ्रूण अवस्था, भ्रूणीय अवस्था, ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऐसे बच्चे की फॉर्मेशन होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में पूछते हैं, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पहचान व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहचान। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन द फॉलोइंग, स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित पर किया था, तो स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, पहले रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद जो है स्टिमुलस मिलता है। ओके, ये ध्यान रखिए, यहाँ से स्किनर की थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। स्किनर ने प्रयोग किए थे अपने कबूतरों पर और कुत्तों पर दोनों पे, तो ए और बी दोनों करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ
कबूतरों पर और कुत्तों पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द प्रोसीजर ऑफ नॉट रिइंफोर्सिंग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती है कहलाती है, वो कहलाती है विलुप्त होने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है, तो सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो ये सभी सिस्टम ऑफ मेमोरीज हैं, मेमोरीज के पार्ट हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, तो एनकोडिंग सबसे पहले होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक या पूर्व स्मरण का खोना कहलाता है या कहा जाता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, तो आंशिक या पूर्ण स्मरण का खो जाना विस्मरण कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा विस्मरण। तो कहलाता है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय रेवेंस, इस टेस्ट को रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से भी जाना जाता है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, यह एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ओके, फाउंडर है रेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, विच स्टेज इज कंसीडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, तो एडोलेसेंस पीरियड को मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है, किशोरावस्था स्टार्ट होती है 13 वर्ष से 19 वर्ष तक रहती है, 13 to 19 years, इस स्टेज को कहा जाता है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा जाता है एडोलेसेंस को। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये दी थी स्टेनले हॉल के द्वारा। कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, किसने कहा था, तो स्टेनले हॉल इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फ्राइड के अनुसार इदम फिलिंग द ब्लैंक्स सिद्धांत पर आधारित है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इड इज बेस्ड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स प्रिंसिपल, तो इड जो है ये बेस्ड होता है प्लेजर प्रिंसिपल के, सुखवादी सिद्धांत के आधारित ये प्रिंसिपल रहता है, सुखवादी सिद्धांत, जो फ्राइड का पर्सनैलिटी 3-tier सिस्टम इन्होंने बताया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड होती है ये अनकॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस, ईगो इज सबकॉन्शियस एंड सुपर ईगो इज टोटली कॉन्शियस, ओके। जो ईगो है ये वर्क करता है एज अ पुलिसमैन, ईगो इज वर्क ऑन पुलिसमैन, और जो सुपर ईगो होता है ये बेस्ड होता है मोरालिटी के, नैतिकता के, मोरालिटी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल, तो एबिंग हॉस ने इसका इस्तेमाल किया था नॉनसेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो बुद्धि और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। हमेशा देखा गया है कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशंस होता है हमेशा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन मेथड का प्रतिपादन किया था, फाउंडर हैं ये किंडरगार्टन विधि के। क्वेश्चन नंबर 7 है, अटेंशन इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोसेस, अवधान एक कैसी प्रक्रिया है, तो अवधान जो है अटेंशन है एक सेलेक्टिव प्रोसेस है,
ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिलेक्टिव प्रोसेस है ये। क्वेश्चन नंबर 8, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट? भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण, और ये भी एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट है ये, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये जो भाटिया बैटरी टेस्ट है इसका प्रतिपादन किसने किया था? सीएम भाटिया के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। कब किया गया था? 1955 एडी में, 55 ईस्वी में। ओके, किसके द्वारा? सीएम भाटिया जो इनका नाम था, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, फाउंड किया गया था, डेवलप किया गया था इनके द्वारा। और इसके टोटल पाँच सब टेस्ट हैं। ओके, पांच सब टेस्ट हैं। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसके भाटिया बैटरी टेस्ट के कितने सब टेस्ट हैं, तो इसके पांच सब टेस्ट हैं। ओके, और इसका प्रतिपादन सी एम भाटिया ने किया था। कब किया था? 1955 ईस्वी में। और ये एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इससे बुद्धि लब्धि का मापन होता है, टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, लाइवलीहुड, लर्निंग राइटिंग एंड रीडिंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इसका एजुकेशन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या ऑलराउंड डेवलपमेंट? तो जो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है। मेन गोल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का क्या है? कि सर्वांगीण विकास हो बच्चे का। ओके, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नीड्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थ्योरी ऑफ नीड्स अभिप्रेरणा का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को। तो ये जो मैस्लो है इनकी थ्योरी है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लोज क्या हो रहा है ये, हायरार्की ऑफ नीड्स। इन्होंने पांच स्टेजेस बताई है, पहली है साइकोलॉजिकल नीड, दूसरी है सेफ्टी नीड, फिर थर्ड है लव या बिलोंगिंग नीड, एस्टीम नीड, एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो ये पांच स्तर बताए थे उन्होंने मोटिवेशन के, आवश्यकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है मैस्लो के जो मोटिवेशन हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इतना काफ़ी आज के लिए। अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप, पावर आर द काइंड ऑफ मोटिव्स, ये कैसे अभिप्रेरक हैं? उपलब्धि, संबंध, शक्ति, ये किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं पूछा गया है? तो ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं, मनोवैज्ञानिक मोटिव हैं ये, साइकोलॉजिकल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म मेमोरी, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज, लघु स्मरण का अंतराल कितना होता है? तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन होती है 20 सेकंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरीज 20 सेकंड्स ओनली। वैसे तो 15 से 30 के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे 30 और 20 ऑप्शन में है तो 20 ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि मिड पॉइंट हम देखेंगे तो 20 सेकंड ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेंटल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग, चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है? चिंतन में, थिंकिंग में कौन सी मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? देखिए, इसमें अब्स्ट्रैक्टिंग तो होती है, अमूर्त प्रक्रिया तो होती है, लेकिन इसमें तर्क वितर्क प्रक्रिया भी चलती है इसके अंदर, और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष भी निकलता है, निष्कर्ष। तो ये सभी जो है मानसिक प्रक्रिया चलती है जब चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटली रिटार्डेड पीपल हैव द आईक्यू फ्रॉम 25 to 39 आर नोन एज, मंदबुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 25 से 39 के बीच में होता है वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सीवियर मेंटली रिटार्डेड, ये होते हैं सीवियर मेंटली रिटार्ड, जिनका आईक्यू होता है 25 से 39 तक, जिनका आईक्यू होता है सीवियर। अब जो प्रोफाउंड होते हैं मेंटली रिटार्डेड, अति मंद बुद्धि होते हैं, इनका होता है 0 से 24 के बीच या 0 से 25 के बीच, 25 से 39 तक होते हैं इम्बेकल जिनको बोलते हैं, ये सीवियर मेंटली रिटार्डेड को इम्बेकल भी बोलते हैं और प्रोफाउंडेड को इडियट बोलते हैं। ओके, मैंने पहले भी बताया इडियट इन्हें कहते हैं इम्बेकल, CILE इम्बेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 39 वाले को इम्बेकल यानी सीवियर मेंटली रिटार्डेड, गंभीर मंद बुद्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट विधि किसने
या किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो प्रोजेक्ट विद दी किलपैट्रिक फाउंडर हैं इसके, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विद दी प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती? हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज? ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है हरलॉक की। हरलॉक की स्टेटमेंट है कि टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज, दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, हरलॉक ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर ने दी थी, इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, कोहलर, कोहलबर्ग हैं, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग की, कोहलर की है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इसको कहा जाता है गैलस्टॉट, इसे कहा जाता है गैलस्टॉट, गैलस्टॉट थ्योरी या इनसाइट थ्योरी। इसने चिंपैंजी पे एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, कई बार नाम पूछ लिया जाता है, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर ने, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, बाकी थॉर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर मेथड, करके सीखते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली और चूहे पर, इस पे कोहलर ने किया था चिंपैंजी पे, स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे और कबूतर पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग है स्किनर की थ्योरी का नाम इसमें, एंड लास्ट पेवलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कुत्ते पे प्रयोग किया था, 1904 में नोबल प्राइज मिला था। ओके, प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर, कोहलर। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मैंशनड बाय क्रेचनर? तो क्रेचनर ने पांच टाइप बताए थे पर्सनैलिटी के, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्रिएटिविटी इज डिफाइंड बाय, सृजनात्मकता की पहचान होती है, क्रिएटिविटी की पहचान होती है न्यू रिजल्ट से, नवीन परिणामों से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, न्यू रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29, हु सेड क्रिएटिविटी इज एसेंशियल एसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन? किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? किसकी स्टेटमेंट है? जेम्स ड्रेवर की स्टेटमेंट है ये, जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स, अधिगम के नियमों का प्रतिपादन या प्रतिपादक कौन हैं? अधिगम के नियम किसने दिए हैं? तीन मुख्य नियम दिए हैं, प्राइमरी लॉज, थ्री प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज, ये किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थॉर्नडाइक। थ्री प्राइमरी लॉज जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से हैं, पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, याद रखें लॉ ऑफ इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा लॉ दिया है प्राइमरी लॉ में लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस, एंड थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थॉर्नडाइक के ये प्राइमरी लॉज हैं। कितने लॉज दिए हैं? थ्री। हु प्रोपाउंडेड द लर्निंग रूल्स, किसने दिए हैं लर्निंग रूल्स? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज, किसने कहा कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, अब आप बताएंगे इसका, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बताया था कि किसने कहा था कि दो चिल्ड्रंस में, टू चिल्ड्रन में समान योग्यताएं नहीं होती, किसने कहा था, कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू एलिमिनेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? गिविंग रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड देके, गिविंग एग्जाम्पल्स या स्कॉल्डिंग हिम या गिविंग पनिशमेंट, तो पॉजिटिव अप्रोच क्या होगी एज ए टीचर आपकी, उनको एग्जाम्पल देके, उनको बता के कि ये गलत बात है, उनको एग्जाम्पल्स देके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बीइंग अ टीचर आपको पनिशमेंट नहीं देनी है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गिविंग एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्नोस्टिक इज निदान कहते हैं, डायग्नोस्टिक इज लर्निंग नहीं, टीचिंग भी नहीं होता डायग्नोस्टिक, टू नो द डिफिकल्टीज, कठिनाई का पता लगाना ही निदान होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निदान तभी होगा जब कठिनाई का पता लगेगा, टू नो डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पड इन, एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पड इन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, टू नो सेल्फ,
स्वयं को जानने के लिए, टू नो द चाइल्ड बच्चे को जानने के लिए, शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए, टू सेलेक्ट द मेथड ऑफ टीचिंग, और या इनकम्प्लीट एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है, शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। आपको देखना है कौन सा ज़्यादा वाइड ऑप्शन है। तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया ये तो है, ये तो है, लेकिन ये इनमें कवर हो जाएगा सारा। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में ये सब कुछ आ जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तभी ऐसा नहीं कि पहले तीन ऑप्शन देख के थर्ड पे मार दिया तो तब गलत हो जाएगा। सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर डिसीजन लेना है कि कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय, सृजनात्मकता की पहचान होती है ओल्ड बिहेवियर से, ड्राइंग से, म्यूजिक से, न्यू रिजल्ट से। ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोला कि ये रिपीट होते हैं, न्यू रिजल्ट से भी किया हमने थोड़ी देर पहले पुराने पेपर में। ऑप्शन डी, न्यू रिजल्ट से, न्यू नवीन परिणामों से। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर स्टेज लाइज बिटवीन। सबसे पहले तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, ये किसकी स्टेज है? ये एरिक्सन की स्टेज है, एरिक्सन की स्टेज है ये। कितनी स्टेज दी थी एरिक्सन ने? 8 स्टेजेस दी थी, 8 स्टेजेस। तो ईगो इंटीग्रिटी या अहम संपूर्णता बनाम निराशा, ये कौन सी अवस्था है, किस एज में आती है ये? वो ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिसअपीयर आती है 65 ईयर और इसके अबव से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे पहले होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 1 से 0 से 1.5 साल तक। लास्ट होती है 65 से वो ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिसअपीयर। इसके लिए आप ये भी याद रखें कि 8 स्टेजेस होती हैं। अब ये तो लंबा वीडियो बन जाएगी अगर इसको पूरा इलेबोरेट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वोकेबलरी इज द इन्फेंट बिकम द एंड ऑफ सेकेंड ईयर्स, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे का शब्द भंडार लगभग 272 के आसपास जो है शब्द सीख लेता है बच्चा। 18 महीने तक एटलीस्ट 80 वर्ड्स सीख लेता है, 80 वर्ड्स। 2.5 साल तक 450 वर्ड्स एंड 3 ईयर तक वो 1000 के करीब शब्द सीख लेता है। और 4 साल का बच्चा होता है एटलीस्ट 1600 वर्ड, 1500 के करीब शब्द सीख लेता है। और जब 5 का होता है तो 2100, और 6000 जब 6 वर्ष का होता है तब तकरीबन 50,000 शब्दों की वोकैबुलरी उसकी वो सीख लेता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 2 साल के अंत तक बच्चा 200-250 के करीब, 272 के करीब वर्ड सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू चेंज द क्रैमिंग हैबिट एमंग स्टूडेंट्स। क्रैमिंग होता है रटंत प्रक्रिया, रटने की जो आदत होती है छात्रों में, रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? ये एजुकेशन पैडागोजी से है क्वेश्चन। तो रटने की, क्रैमिंग की आदत को, हैबिट को ख़त्म करने के लिए मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा। चेंज इन इवेल्युएशन टेक्निक्स में चेंज करना पड़ेगा, इवेल्युएशन टेक्निक्स में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लर्निंग कर्व मीन्स, सीखने के वक्र हैं। लर्निंग कर्व बताते हैं, लर्निंग कर्व बताते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस इंडिकेटर होते हैं लर्निंग के। सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, हमें बताते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं, नीचे जा रहे हैं या ज़्यादा सीख रहे हैं, कम सीख रहे हैं। ये इंडिकेटर होते हैं प्रोग्रेस बताते हैं लर्निंग की। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? मानव विकास में व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट? हेरिडिटी, एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, और नन ऑफ द अबव। तो दोनों ही, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण हैं मानव विकास में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमजोम्स आर देयर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? हमारे शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमजोम्स आर देयर इन आवर बॉडी, 23 पेयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, जो मर्जी करो इसको भूलना मत। छात्र के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो केस स्टडी। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, इंडिविजुअल स्टडी, चाइल्ड बच्चे की इंडिविजुअल स्टडी का साइकोलॉजिकल मेथड केस स्टडी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केस स्टडी।
क्वेश्चन नंबर 13, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए? हु हैज़ फॉर्मुलेटेड द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज कंक्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, ये किसने दिए थे? अब ये भी थॉर्नडाइक साहब ने ही दिए थे। थॉर्नडाइक साहब सभी जगह छाए होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कि ये थ्योरी, इस थ्योरी का नाम क्या है? इस थ्योरी का नाम है थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। कौन सी है? मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, मल्टी फैक्टर थ्योरी। एक तो इनकी ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसमें इन्होंने प्रयोग किया था, और ये कि ये थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इन्होंने ये इसमें कहा था कि तीन टाइप की इंटेलिजेंस होती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। थ्योरी का नाम मल्टी फैक्टर थ्योरी। किसने दी थी? थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? वुंट ने की थी। वुंट ने की थी, कहाँ की थी? लिप्जिंग में की थी। लिप्जिंग, वुंट, वुंट ने लिप्जिंग में कब की थी? 1979 में। सन याद रखें, 1979 में। कहाँ की थी? लिप्जिंग में। किसने की थी? वुंट ने। वर्ल्ड की पहली साइकोलॉजिकल लैब, फर्स्ट लैब थी ये वर्ल्ड की, वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। कोडिंग सबसे पहला स्टेप है मेमोरी का। कूट संकेतन प्रक्रिया है स्मृति की। क्वेश्चन नंबर 16, स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। स्टोरेज जो है ये प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। तो सबसे पहले एनकोडिंग, फिर स्टोरेज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेकंड, सेकंड स्टेज है ये। स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, सेकंड। एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन? अब आपको इस क्वेश्चन की याद रखने की मैं एक शानदार सी ट्रिक बताता हूँ आपको। मोटिवेशन मॉस्लो, मोटिवेशन मॉस्लो, MM से दोनों। हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी AM मॉस्लो ने। मोटिवेशन मॉस्लो से जुड़ा हुआ है, हायरार्की ऑफ नीड्स मॉस्लो के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इन्होंने स्टेजेस बताई थी, फाइव स्टेजेस, हायरार्की ऑफ नीड की फाइव स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन जनरली एग्जिस्ट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, रिपीट होता है ये। व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन जनरली एग्जिस्ट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? अब आपने देखा होगा कि कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं लेकिन वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जीरो नहीं होता। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्रिएटिव हो भी सकता है, क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता लेकिन हो भी सकता है, तो पॉजिटिव है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज जुविलाइन डिलिक्वेंसी? यानी कि बाल अपराध कैसा व्यवहार है? एंटी सोशल, समाज विरोधी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाल अपराध जो है ये समाज विरोधी है, अनुवांशिक नहीं है, शिरोजोफ्रेनिक क्या है ये भी नहीं होगा, तो बाल विरोधी होगा, सॉरी समाज विरोधी होगा। बाल अपराध जो है समाज विरोधी है, एंटी सोशल एक्टिविटी है ये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एंटी सोशल। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्टिविटी टेक्निक इज, क्रियाकलाप तकनीक है। अब जो एक्टिविटी तकनीक है, एक्टिविटी टेक्निक है टीचिंग में, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है, ये एक बाल केंद्रित, स्टूडेंट केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड है ये टेक्निक, स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक है ये, विद्यार्थी केंद्रित टेक्निक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन वुडवर्थ्स SOR मॉडल? अब यहाँ से याद रखें, वुडवर्थ का मॉडल है SOR मॉडल। SOR मॉडल का मतलब है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, तो ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनिज्म, प्राणी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाय व्यवहारिकवाद, पाठशाला का प्रतिपादन किसने किया? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म
जेबी वॉटसन इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। एक कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद, दूसरा है बिहेवियरिज्म। एक है कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की बोलते हैं, बिहेवियरिज्म है जिसमें बोलते हैं कि बच्चा व्यवहार से सीखता है, जेबी वॉटसन इसके प्रोपाउंडर हैं, फादर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 24, ईच जीन इज मेड अप ऑफ, प्रत्येक पितृक से बना होता है, किससे बना होता है। एक्चुअली ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट होता है तो यहाँ से कुछ सेंस ही नहीं बनती, प्रत्येक पितृक से बना होता है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत लो ना, इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, हिंदी में भी पढ़ लिया करो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले। तो ईच जीन इज मेड ऑफ डी एन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वार्तालाप उदाहरण है। कॉन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर पीरियड जो होता है बच्चे का, इसमें बच्चा सेंसिस इंद्रियों का इस्तेमाल करता है अपनी बातों को बताने के लिए। अगर उसको प्यास लगी है या कुछ अपना बताना है, भूख लगी है तो वो रोता है, अगर वो खुश हो तो वो हंस के ही इजहार करता है, तो इसमें वो सेंसेस का यूज़ करता है सेंसरी मोटर में। कॉन्वर्सेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 27, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज एन स्टेज ऑफ। अब ये फिर से किसकी स्टेज आ गई, हमने बताया था पहले कि ये स्टेज है एरिक्सन की। एरिक्सन की कितनी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस, ये 4-5 बार आ गया क्वेश्चन, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये है 2 से 3 इयर्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 4 से 6, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 से 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एनिमिज्म नेचर फाउंड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। एनिमिज्म जो है ये किस स्टेज में आता है। एनिमिज्म होता है कि बच्चा सोचता है कि जो भी चीज़ें मेरे सामने हैं ये सभी जीवित है, ये टेबल है ये भी जीवित है, ये भी मेरी तरह रोता है, इसको भी दर्द होती है, यानी वो सभी चीज़ों को लिविंग थिंग्स मानता है, जिंदा मानता है, चाहे वो पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ है, कुछ भी है, लैपटॉप है, टेबल है, पेन पेंसिल, सब चीज़ों को वो लिविंग क्रिएचर मानता है। तो ये इड की अवस्था में वो एनिमिज्म होता है, उसमें जीववाद प्रकृति होती है बच्चे में, इड में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ओरिजिनलिटी ट्रेट्स फाउंड इन, वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं अमीर घरों के बच्चे में, गरीब घरों के बच्चों में, या सृजनशील बच्चों में। तो ओरिजिनलिटी होती है क्रिएटिव चिल्ड्रन में, क्रिएटिव चाइल्ड। ऑप्शन करेक्ट होगा। ओरिजिनलिटी यानी कुछ नया ओरिजिनल क्रिएट करने की क्षमता जो है, ये क्वालिटीज़, वो गुण होते हैं क्रिएटिव बच्चों में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग, भूलने पर, विस्मरण पर किसने प्रयोग किए थे। एबिन गहॉस ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे फॉरगेटिंग पे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जंग, अंडर विच कैटेगरी टू द पर्सन हैविंग लोनली टाइम्ड आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर फॉल्स। एकांतरिक, संकोची, आदर्शवादी और आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति यूंग के अनुसार व्यक्तित्व के किस वर्गीकरण में आते हैं। ऐसा नेचर किसका होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं उनका नेचर होता है ऐसा, आइडियलिस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, किसी से बात नहीं करनी, लोनली रहना, अकेले रहना, ये सारे नेचर जो है, ये सारी क्वालिटीज़ इंट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी कैटेगरी होती है ये इंट्रोवर्ट नेचर के, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आए, ब्लाइंडनेस में डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, डेवलपमेंट तो होती रहेगी, हियरिंग से भी अगर कोई बहरा है तो उसकी डेवलपमेंट तो होगी, इंटेलेक्चुअल अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसका माना जाएगा कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैलस्टॉट मीन्स, गैलस्टॉट
गैलस्टॉट किसकी थ्योरी से रिलेटेड है? गैलस्टॉट कोहलर्स थ्योरी, कोहलर का सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत इंग्लिश में बोले तो इनसाइट थ्योरी। प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पे। चिंपैंजी का नाम क्या था? चिंपैंजी का नाम पूछ लिया जाता है, चिंपैंजी का नाम था, क्या नाम था? सुल्तान। गैलस्टॉट का मीन था है एज अ होल, समग्र रूप से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? यूनिफैक्टर थ्योरी बुद्धि का सिद्धांत है, टू फैक्टर थ्योरी बुद्धि का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन इज नॉट एन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो है इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। मल्टी फैक्टर थ्योरी करेक्ट है। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन सॉरी मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉरनडाइक ने, थॉरनडाइक। टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन। यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी बिने, बिने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप इस वीडियो को भी दो बार देख लेंगे तो आपके साइकोलॉजी के 18 से 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे, 20 नंबर। इतने क्वेश्चन कर लिए हैं हमने आज की वीडियो में, वो भी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग द मीनिंग ऑफ सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कहलाता है प्रिस्क्रिप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन दियर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज, ऐसा बच्चा जिसकी जो एज है, जो एक्चुअल एज है उसकी, एक्चुअल एज होती है जो उसकी बर्थ वाली एज है, क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है उसकी मेंटल एज यानी उसकी मानसिक जो बुद्धि है वो ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो नॉर्मल तो आएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल की होती है इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू, और मेंटल एज इक्वल होती है, वो तो है नॉर्मल। जिनकी मेंटल एज ज़्यादा होती है क्रोनोलॉजिकल एज से वे आते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन में, गिफ्टेड चिल्ड्रन में। अब यहाँ पे डायरेक्ट गिफ्टेड ही दिया गया है क्योंकि लर्निंग डिसेबल्ड तो वो होते हैं जिनकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है, कम होती है एज उनकी मेंटल एज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन फिलिंग द ब्लैंक्स देयर लर्निंग, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ छात्रों की लर्निंग को अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है? बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, उसकी इमोशनल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन आईक्यू से क्वेश्चन है, आईक्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द आईक्यू ऑफ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 ईयर ओल्ड? किसी का आईक्यू जिसकी जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी जिसकी आयु, अगर सिंपल एज बताया है तो क्रोनोलॉजिकल एज, तो मेंटल एज दी है 12, क्रोनोलॉजिकल एज दी है 10 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 120। आईक्यू कितना आएगा? 120। ऑप्शन सी, फॉर्मूला आपको बता दिया है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 फॉर्मूला है आईक्यू का। किसने दिया है फॉर्मूला? टर्मन ने, और ये टर्मन ने दिया है, लेकिन मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजी इतना सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने, इसको अपग्रेड किया टर्मन ने इंटू 100 लगा के। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है, हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गैलस्टॉट थ्योरी ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सीखने के गैलस्टॉट सिद्धांत से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया गैलस्टॉट एज अ होल, गैलस्टॉट मतलब एज अ होल, और गैलस्टॉट किससे रिलेटेड है? गैलस्टॉट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, और इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। दूसरा क्वेश्चन आ गया इसमें, ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इड इज गाइडेड बाय, अब जो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये किसने दिए थे? ये दिए थे फ्राइड ने, फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है ये, इड ईगो सुपर ईगो। इड इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, इड होती है प्लेजर प्रिंसिपल पे, रियलिटी में होती है ईगो, आइडियोलॉजिक प्रिंसिपल होता है सुपर ईगो। क्लियर है?
इतना याद रखें, सुपरीगो एसोसिएटेड होता है आइडियलिस्टिक आदर्शवादी सिद्धांत से, सुपरीगो। रियलिटी प्रिंसिपल होता है ईगो से रिलेटेड, प्लेजर प्रिंसिपल होता है इड से रिलेटेड। इड इज रिलेटेड टू इंस्टिंक्ट्स, ईगो इज रिलेटेड टू रियलिटी, एंड सुपर ईगो इज रिलेटेड टू मोरेलिटी या आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल मोरेलिटी। ओके, आपका फ्राइड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, सेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी नाम था साइकोसेक्सुअल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय, अब टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। याद रखने का तरीका, स्पीयर रेसलिंग में स्पीयर होती है, स्पीयर तभी लगती है जब दो हो, टू फैक्टर थ्योरी यानी स्पीयरमैन। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने की, अगर आपको याद नहीं रहता, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड है। स्पीयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी, बीने ने दी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी, बीने ने दी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी, पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे ने, क्लियर है। बीने ने यूनिफैक्टर थ्योरी और सिंगल फैक्टर थ्योरी, एक ही नाम है दोनों का, यूनिफैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। और एक और है मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी ये हमने तीन चार बार पहले डिस्कस कर ली इसी वीडियो में, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक। अभी भी अगर आप क्वेश्चन गलत करें तो क्या कह सकते हैं, अभी मैंने इतने बार आपको रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस इन द क्लास, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हस्तोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, नहीं गलत, पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत है, पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल गलत है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण मापन करता है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस मेजर करता है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स स्किल्स वैल्यूज मोटिव्स दैट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा आदतों कौशलों मूल्यों अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और वे उन्हें समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाती हैं, उन्हें कहा जाता है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, पहले तो इतने यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर समझ लो कि बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की जब बात की जाए तब हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने आठ प्रकार की बुद्धि बताई थी, आठ प्रकार की इंटेलिजेंस, पहले सात बताई थी उसमें एक ऐड बाद में की थी। इनकी एक बुक है, उसका नाम है फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड। तो यहाँ पे पूछा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है, उसकी विशेषताएं गणित से रिलेटेड होगी, लॉजिकल मैथमेटिकल अगर उसकी इंटेलिजेंस है तो उसकी पैटर्न को खोजने एवं तर्क और लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता होगी, उसमें संवेदनशीलता होगी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले सेंसरी मोटर आती है, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो पहले वो सेंसरी मोटर, सेंसरी, फिर कंक्रीट, फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगता है करने, तो इस फॉर्मेट में होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यार्थी की अभिरुचि, इंटरेस्ट अफेक्ट करता है लर्निंग को, अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। इमोशनल हेल्थ, उसका सामाजिक विकास, उसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा, ये सभी ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट है, ये अफेक्ट करते हैं लर्निंग को बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोग्रेसिस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, किसके अनुसार छात्रों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और तथा सांस्कृतिक संबंध के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है ये, थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। रशिया से थे, इनकी डेथ हो गई थी 38 ईयर्स में ही। इनकी ये थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा है कि सोसाइटी और कल्चर का रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, अमन ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस, अमन इज डिस्प्लेइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन। अमन हमेशा समस्या के एकाधिक यानी बहुत से सॉल्यूशन के बारे में सोचता है, इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं यानी यूनिक होते हैं। अमन किन गुणों को प्रदर्शन कर रहा है, किन गुणों का प्रदर्शन करना है, उसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये, तो वो कन्वर्जेंट थिंकर है या डाइवर्जेंट थिंकर है, इगोसेंट्रिक थिंकर है, कैसा है वो। अब यहाँ लिखा है कि मौलिक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब मौलिकता होती है क्रिएटिव बच्चों में, क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, क्रिएटिव बच्चों में होती है मौलिकता, ओरिजिनलिटी, और ओरिजिनल क्रिएटिव बच्चे होते हैं। या अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएटिव थिंकर ऑप्शन में दे दिया है, मैंने सोचा यहाँ पे कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट होगा, तो ये कन्वर्जेंट क्रिएटिव थिंकर होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे डाइवर्जेंट भी ऑप्शन में हो सकता था आपका, डाइवर्जेंट थिंकर, तो डाइवर्जेंट होना था। ओके, तो क्रिएटिव बच्चे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सृजनात्मक चिंतक। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। प्राइमरी एजेंसीज कौन सी होती हैं, प्राइमरी एजेंसीज और सेकेंडरी एजेंसीज, प्राइमरी एजेंसीज में आती है फैमिली और द्वितीय सेकेंडरी एजेंसी में आती है हमारी विद्यालय, मीडिया, स्कूल, मीडिया वगैरह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियत विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये एजुकेशन पैडागोजी से क्वेश्चन है, तो ये इसकी बात होती है कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे सेम स्कूल में एजुकेशन दी जाए, ये ऐसा सिस्टम बनाया जाए, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में इसकी बात होती है, समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा करेक्ट होगा इसमें, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अब ये किसने दिए हैं, ये थ्योरी है जीन पेजी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है माइंड में, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करने के लिए किया जाता है जब, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एकोमोडेशन। जब जो आपके माइंड में एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसमें जब नई इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है तो एकोमोडेशन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं एडप्टेशन के अंतर्गत, एडप्टेशन। एसिमिलेशन स्कीमा में कई न्यू इन्फॉर्मेशन का एडिशन होता है, और एकोमोडेशन में जो आपके माइंड में स्कीमा में इन्फॉर्मेशन स्टोर किए थे उसका मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन। एकोमोडेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई की जाती है, और एसिमिलेशन में जो आपके माइंड में स्कीमा बना हुआ है उसमें ऐड किया जाता है और इन्फॉर्मेशन।
स्कीमा चेंज होता है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो नई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है एकोमोडेशन के थ्रू। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सृजनात्मकता को फिलिंग द ब्लैंक्स की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो क्रिएटिविटी होती है वो डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस से रिलेटेड मानी जाती है, डाइवर्जेंट थिंकर या डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस से, विविध बुद्धि से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यही आया है वो डाइवर्जेंट जिसकी हम अभी 2-3 क्वेश्चन पहले बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स। डेवलपमेंट वो प्रोसीड करती है जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डेवलपमेंट प्रोसीड करती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू प्याजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन कौन सी स्टेज होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में आता है। 0 से 2 तक आती है सेंसरी मोटर, उसके बाद आती है 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल कहाँ है यहाँ पे, प्री ऑपरेशनल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, फिर 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर 11 से आगे फॉर्मल ऑपरेशनल। ये थर्ड है सेंसरी मोटर, सॉरी फर्स्ट है 0 से 2। 0 से 2, 2 से 7 एंड कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to अगे एडल्टहुड तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, मॉडलिंग का संप्रत्य किसने दिया, या मॉडलिंग इज द कंसेप्ट, मॉडलिंग कंसेप्ट इज गिवन बाय, मॉडलिंग का जो कंसेप्ट है ये अल्बर्ट बंदूरा के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अल्बर्ट बंदूरा की है सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी है इसकी थ्योरी, अल्बर्ट बंदूरा की है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके एक्सपेरिमेंट को बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट, गुड़िया के साथ एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू फिलिंग द ब्लैंक्स वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोसोशल डायलमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। डायलमा क्या होता है, डायलमा होता है कि एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं आपको, सिचुएशन में ऐसी, इसे हाइंस डायलमा भी कहा जाता है, हाइंस डायलमा। अब ऐसी स्टेजेस में फंस जाते हैं, इसका किसकी थ्योरी है ये, यह है कोहलबर्ग की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी यहाँ पे दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है ये। इसने बताए थे थ्री लेवल्स, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल, सॉरी प्री ऑपरेशन प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस बताई थी इसने, 3 स्तर बताए थे, 3 लेवल्स बताए थे कोहलबर्ग ने। नैतिक सिद्धांत, कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं इसको, कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मोरालिटी से रिलेटेड है ये। कोहलबर्ग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, 2 क्वेश्चन बचते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। हंगर इज नॉट एक्वायर्ड मोटिव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हंगर। क्वेश्चन नंबर 29, हु स्टार्टेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हु स्टेटेड, किसने कहा कि लर्निंग इज द, हु सेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वुडवर्थ ने कहा था कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। गार्डनर का है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत में उसने कहा था कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, लेकिन उसने क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात नहीं की थी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की उसने बात की थी।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, सृजनात्मक बुद्धि की बात उसने नहीं की थी। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली अधिगम, व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं, जो कि एक स्थायी परिवर्तन होते हैं, ये परमानेंट परमानेंट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बालक का विकास अनुवांशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है, जो कि एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो उसके हेरिडिटी यानी कि उसके माता पिता के गुणों पर और बच्चा किस एनवायरमेंट में रहता है उस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वातावरण पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का संप्रत्य किसके द्वारा दिया गया था? तो ये संप्रत्य दिया गया था थोरनडाइक के द्वारा, थोरनडाइक की है, थोरनडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। आप नाम याद रखें, थोरनडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है इसको, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय होता है। स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। थोरनडाइक ने एक तो मल्टी फैक्टर थ्योरी, और थोरनडाइक की एक और थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसको SR थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, अगर हिंदी में बोलें तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थोरनडाइक ने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत अगर पूछ जाए वो भी थोरनडाइक ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत पूछ लिया जाए थोरनडाइक ही होगा। अधिगम का बंद सिद्धांत भी थोरनडाइक के द्वारा। संबंधवाद का सिद्धांत पूछा जाए वो भी थोरनडाइक के द्वारा। स्किनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ओके, इसको RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। RS थ्योरी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें पहले रिस्पॉन्स आता है फिर बाद में स्टिमुलस मिलता है। ओके, स्टर्न ने दिया था, जो ऑप्शन में दिया है स्टर्न, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्टर्न ने क्या दिया था? फॉर्मूला दिया था आई क्यू का फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये दिया था स्टर्न के द्वारा। टर्मन ने क्या किया? इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। इसने क्या कहा? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 से निकलेगा IQ का फॉर्मूला। ओके, ये इसको मॉडिफाई किया था टर्मन ने। कॉन्सेप्ट दिया था IQ का, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज का जो है ये फॉर्मूला था ये दिया था स्टर्न ने, मॉडिफाई किया टर्मन ने। स्किनर ने दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। थोरनडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी, और इसने SR थ्योरी भी दी थी थोरनडाइक ने, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने को मिले। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन टू अपोजिंग मोटिवेशंस अराइज एट द सेम टाइम एंड वांट देयर सेटिस्फेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, जब दो विरोधी प्रेरणाएँ एक समय में उत्पन्न हो जाएँ, तथा एक समय में ही वो उनकी संतुष्टि चाहें तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच, द्वंद्व। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? तो साइमन बी ने स्केल जो है ये पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, TAT ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, APF क्वेश्चन ईयर ये भी पर्सनैलिटी टेस्ट है, रोसा परीक्षण जो है रोसस टेस्ट है ये भी पर्सनैलिटी टेस्ट है, लेकिन जो साइमन बी ने टेस्ट है ये पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं था, ये साइकोलॉजिकली इंटेलिजेंस टेस्ट था IQ टेस्ट करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट? तो एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी दी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन्होंने एट स्टेजेस दी थी साइकोसोशियल डेवलपमेंट की। ओके, एट स्टेजेस। सिगमंड फ्राइड का क्या है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्राइड की, जिसमें इड ईगो सुपर ईगो आप पढ़ते हैं। साइकोसोशियल थ्योरी दी थी एरिक्सन ने, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी फ्रॉइड ने। क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? व्हेन वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो 1916 में सबसे पहले साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश हुई थी भारत में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये कहाँ खोली गई थी? तो ये कोलकाता में खोली गई थी, कोलकाता में, कोलकाता विश्वविद्यालय में। ओके, 1916 में। और वर्ल्ड की पहली, वर्ल्ड्स फर्स्ट लैब कहाँ खोली गई थी साइकोलॉजिकल लैब? ये जर्मनी में, जर्मनी में। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा, वुंट के द्वारा। ओके, विलियम वुंट के द्वारा, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समर्थन सबसे पहले किया था, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किया था जॉन डीवी ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जॉन डीवी के द्वारा सबसे पहले समर्थन किया गया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्याजेज विच स्टेज इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग? तो जीन प्याजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रिलेटेड है अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग से। अब जीन प्याजे ने चार स्टेजेस दी थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड की जो कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसकी चार स्टेजेस बताई हैं। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 वर्ष तक, या 2 से 7 भी बोल सकते हैं आप, फॉर्मल ऑपरेशनल 7 से, इसके बाद थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, ये है 7 से 11 तक, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से आगे तक। ओके, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ पे सीरियल वाइज नहीं दिया है। तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर, दूसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, सॉरी प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चा जो है स्टार्ट करता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन करना, अमूर्त और तार्किक चिंतन करना शुरू करता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है वो फॉर्मल स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन वो मूर्त ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है लॉजिकली कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही। ओके, थर्ड स्टेज में। लेकिन अमूर्त क्रियाओं के बारे में, अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचना शुरू करता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में, और मूर्त में कंक्रीट ऑपरेशनल में सोचना शुरू कर देता है। ओके, ये फ़र्क है इनमें। क्वेश्चन नंबर 21, 16 साल का एक बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? अ चाइल्ड 16 ईयर्स ओल्ड स्कोर 75 इन आईक्यू टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी, फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। किसने दिया है? टर्मन ने, टर्मन के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था इंटू 100। मेंटल एज कितनी है? मेंटल एज हमने फाइंड आउट करनी है, तो मेंटल एज हमारे पास नहीं दी है। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दी गई है? 16 ईयर्स इंटू 100, स्कोर आया 75। तो हम लिख सकते हैं मेंटल एज इक्वल टू 75 अपॉन 100 इंटू 16। तो 25 × 75, 25 × 100, 4 × 16, 4 × 3 = 12, 12 ईयर्स उसकी जो है मेंटल एज है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेंटल एज 12 ईयर्स। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा। और सिंपल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल इतना उत्तर दिया था स्टर्न के द्वारा। ओके, क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो बच्चे की वास्तविक आयु होती है, मानसिक एज निकलती है, मेंटल एज निकलती है उसकी फॉर्मूले से। ओके, या आईक्यू टेस्ट से, ये फॉर्मूला है आईक्यू निकालने का। ओके, आईक्यू की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस कोशेंट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशंस कम्स इन द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली सबमिटिव असेसमेंट, नाइदर फॉर्मेटिव नॉर सबमिटिव, या बोथ सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में दोनों आती हैं, बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण होता है सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं वो, मौलिक चिंतन करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो उपरोक्त सभी होगा इसमें, सभी ऑप्शन ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? कंप्यूटर, बिल्कुल गलत, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, प्राइमरी एजेंसी कहा है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रमुख संस्था। हेरिडिटी, फैमिली, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती है फैमिली, बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है और फैमिली भी सबसे पहले मदर, मदर, ओके, मदर के बाद आती है फैमिली, अदर फैमिली, और फैमिली के बाद हमारी सोसाइटी, ओके, सोसाइटी, स्कूल, एनवायरनमेंट, जो उनका आस पड़ोस होता है। तो यहाँ पे फैमिली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। एक शिक्षिका क्या करती है? अपने विद्यार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित है? आपको उस साइकोलॉजिस्ट का नाम बताना है, वाइगत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, या गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, विभिन्न प्रकार के कार्यों का जब उपयोग करती है तो वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से इन्फ्लुएंस्ड है, अब प्रभावित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो गार्डनर का सिद्धांत था बहुबुद्धि सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, यहाँ से आप याद रखें, वाइगत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, ओके, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसने, तो गार्डनर का बुद्धि लब्धि सिद्धांत से वो इन्फ्लुएंस्ड है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे गार्डनर ने कहा था कि इंडिविजुअल में बहुत से टाइप की बुद्धि होती है, दिमाग होता है, कईयों में मैथमेटिकली स्ट्रांग होते हैं, उनका मेंटल जो है दिमाग मैथमेटिकली करेक्ट होता है ज़्यादा, या कुछ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है कईयों में लॉजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, कईयों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है म्यूजिक के रिगार्डिंग, कई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, कईयों में लॉजिकल एबिलिटी होती है, तो इस प्रकार की डिफरेंट काइंड की इंटेलिजेंस पाई जाती है लोगों में। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड? जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक डेवलपमेंट पे उसकी आधारित है, संज्ञानात्मक विकास पे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विकास एक फिलिंग द ब्लैंक्स प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज द फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोसेस, लिमिटेड, कंटिन्यूस, पॉजिटिव, जनरल, कौन सी प्रोसेस है? जो विकास है वो लगातार चलने वाली प्रोसेस है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें करेक्ट, कौन सी प्रोसेस है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश कहलाता है, टू राइट डाउन द बिहेवियर दैट हैपन्स ऑन द स्पॉट इन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड, तो वो कहलाता है नरेटिव, विवरणात्मक कथाएं, नरेटिव कहलाता है वो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयोग फिलिंग द ब्लैंक्स के परीक्षण की एक विधि है, एक्सपेरिमेंट इज द मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथिसिस, परिकल्पना के परीक्षण, प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है, एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं वो सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू हैं, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशंस आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मनोविज्ञान के ये एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशंस, तीन एस्पेक्ट हैं, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन, एजुकेशन साइकोलॉजी के ये पहलू हैं, एस्पेक्ट्स है। सो दैट्स इट, इन केस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।